हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंप्यूटेशन क्लासेस। और आज हम फिर उपस्थित हैं बीएसएससी सीजीएल 3 और प्रधानाध्यापक की परीक्षा जो बीपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाली है, साथ ही साथ प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट 3 लेकर। ठीक है, चलिए हम लोग आज समय को बिना बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? ए तांबा, बी निकल, सी लोहा और डी कोबाल्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो एक नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर होगा, यानी कि एक नंबर का क्या हो जाएगा? सी नंबर। कहने का मतलब है कि ये जो विद्युत चुंबक है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः लोहा का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। इसका थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः लोहे का प्रयोग किया जाता है। चुंबकशीलता का मात्रक हेनरी प्रति मीटर होता है। याद रखिएगा, चुंबकशीलता का मात्रक हेनरी मीटर होता है। एल्युमिनियम की चुंबकशीलता लोहे से कम होती है, ये भी बात आप याद रखिएगा। चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, दूसरा नंबर का सवाल देखिएगा। दूसरा नंबर कह रहा है कि विद्युत धारा को मापने के लिए काम आने वाले उपकरण का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों याद रखिएगा, इसका भी सी नंबर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। विद्युत धारा को मापने के लिए काम आने वाले उपकरण को एमीटर कहा जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेंगे, चूंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। बैरोमीटर वायु दाब मापने वाला यंत्र होता है। अल्टीमीटर उड़ते हुए विमान की ऊंचाई को मापने वाला यंत्र होता है। एनीमोमीटर हवा की गति मापने वाला यंत्र होता है दोस्तों। और फायदोमीटर की बात यदि की जाए तो समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र होता है। तो सारे के बारे में हमने आप लोग को बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर का। तीसरा नंबर प्रश्न है, माइका जिसको अभ्रक भी कहा जाता है, किस काम में लाई जाती है? ए भट्टियों की ईंट के निर्माण में, बी विद्युत उद्योग में, सी फौलाद उद्योग में और डी शीशे व मिट्टी के बर्तन उद्योग में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये विद्युत उद्योग में किया जाता है। कहने का मतलब है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी अभ्रक का प्रयोग विद्युत उद्योग में किया जाता है दोस्तों। ठीक है, और इसके बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन यदि आप लोग देख लें तो माइका का उपयोग विद्युत उद्योग में किया जाता है और अभ्रक का उत्पादन भारत में बड़े पैमाने पर होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। चौथा नंबर का सवाल है कि हैजा का क्या कारण है? ए नंबर है जीवाणु, बी विषाणु, सी नंबर है फफूंदी और डी नंबर है शैवाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जीवाणु से हैजा होता है। यानी हैजा रोग का मुख्य कारण क्या है? तो जीवाणु है, ये भी बात आप याद रखिएगा। अब इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। ये हैजा जो इसका संक्रमण खाने की वस्तुओं तथा मक्खियों द्वारा होता है, यानी हैजा विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु द्वारा होता है और इसका संक्रमण खाने की वस्तुओं तथा मक्खियों द्वारा होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग पांच नंबर का सवाल देख लेते हैं। पांच नंबर कह रहा है, क्या निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल का एक उदाहरण है? ए नंबर है कोक, बी प्राकृतिक गैस, सी कोयला गैस और डी है उत्पादक गैस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कोयला गैस है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो पांच नंबर का सी नंबर करेक्ट आंसर है। इसका एक्सप्लेनेशन यदि देखिएगा, कोयला पेड़ पौधों तथा जीवों के जीवाश्म का ही रूप होता है। कोयले के भंजक आसमन विधि से कोल गैस बनाया जाता है। इसका राइट आंसर इस प्रकार सी होगा। उसके बाद देखिएगा छठा नंबर का सवाल। छठा नंबर कह रहा है, क्या संवेग की वही इकाई है जो डैश की है? ए बल आघूर्ण, बी बल युग्म, सी आवेग है और डी संवेग आघूर्ण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि देखिएगा आवेग है। संवेग की वही इकाई है जो आवेग की है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
सी हो जाएगा। यानी संवेग और आवेग का मात्रक समान होता है। विशिष्ट ऊष्मा जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन होता है। ऊष्मा चालकता वाट प्रति मीटर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और ज्योति फ्लक्स का देखेगा, ज्योति फ्लक्स का क्या होता है, ल्यूमेन होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। प्रादीप्ति घनत्व का एसआई मात्रक लक्स होता है। दोस्तों ये भी बात आप याद रख लीजिएगा। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं सात नंबर का सवाल। सात नंबर सवाल कह रहा है, चलिए सात नंबर का सवाल कह रहा है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान हो जाता है ए अनंत, बी एकक, सी शून्य और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा सात नंबर का सी नंबर। कहने का मतलब है पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान बिल्कुल शून्य हो जाता है दोस्तों। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य होता है। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। पृथ्वी तल से ऊपर एवं नीचे जाने पर जी का मान घटता है। पृथ्वी की घूर्णन गति घटने से जी का मान बढ़ता है तथा घूर्णन गति बढ़ने से जी का मान बढ़ जाता है। और याद रखिएगा, पृथ्वी तल पर ध्रुवों पर जी का मान सबसे अधिक और विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि पृथ्वी जी का मान, स्मॉल जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है, तो ध्रुवों पर होता है दोस्तों, और सबसे कम कहाँ होता है, तो ये विषुवत रेखा पर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, आठ नंबर का सवाल दोस्तों। आठ नंबर का सवाल देखिएगा, आठ नंबर का सवाल कह रहा है क्या, प्रत्यावर्ती वोल्टता के परिमाण को घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला ट्रांसफार्मर है। यानी कि देखिएगा, प्रत्यावर्ती धारा के, प्रत्यावर्ती वोल्टता के परिमाण को घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला ट्रांसफार्मर है। ए स्टेट अप, यानी कि देखिएगा ये क्या है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप इन ट्रांसफार्मर, स्टेप आउट ट्रांसफार्मर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यानी कि देखिएगा, प्रत्यावर्ती वोल्टता के परिमाण को घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहा जाता है। और ये ट्रांसफार्मर का प्रयोग हमेशा एसी धारा में किया जाता है। ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसका एक्सप्लेनेशन में देखिएगा, ट्रांसफार्मर ऐसा उपकरण है जिसके बिना विद्युत शक्ति नष्ट किए हुए प्रत्यावर्ती धारा के विद्युत वाहक बल का मान घटाया या बढ़ाया जाता है। ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा के लिए ही प्रयुक्त किया जाता है। यानी कि सिर्फ ये एसी में काम करता है, डीसी में बिल्कुल काम नहीं करता है दोस्तों, ठीक है। चलिए नौ नंबर का सवाल देखिएगा, नौ नंबर का सवाल है, उस विद्युत धारा को जो नियत समय अंतराल के बाद अपनी दिशा बदल लेती है कहा जाता है। ए प्रेरित धारा, बी दिष्ट धारा, सी प्रत्यावर्ती धारा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये राइट आंसर हो जाएगा सी। यानी कि प्रत्यावर्ती धारा जो है नियत समय पर अपनी दिशा बदल लेती है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर का देखिएगा, बिजली घर से सप्लाई की जाने वाली वोल्टता को स्थिर करने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली युक्ति क्या है। ए नंबर देखिएगा, ऑप्शन है ट्रांसफार्मर, ये डायनेमो, बी ट्रांसफार्मर, सी एमीटर और डी जनरेटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी ट्रांसफार्मर होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर होगा, ट्रांसफार्मर होगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 11 नंबर का सवाल, खगोलीय पिंडों का अवलोकन करने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला यंत्र है। ए टेलीस्कोप, बी कैमरा, सी माइक्रोस्कोप और डी पेरिस्कोप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर आपके सामने होगा टेलीस्कोप। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये टेलीस्कोप होगा, यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, क्या होगा, ए नंबर होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए 12 नंबर का सवाल देख लेते हैं, 12 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, ओजोन परत का कार्य क्या है, सूर्य की हानिप्रद अवरक्त किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है, विकिरण को पृथ्वी से पलायन करने से रोकती है, इस प्रकार इसे उष्ण रखती है, सी नंबर यह वर्षा के लिए आवश्यक होती है और डी नंबर है यह सूर्य की हानिप्रद पराबैंगनी किरणों को फिल्टर करती है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा
ये डी नंबर होगा, यानी ये सूर्य की हानिप्रद पराबैंगनी किरणों को फिल्टर करती है, यानी सूर्य की पराबैंगनी किरणों को रोककर पृथ्वी को भयंकर गर्मी से बचा लेती है, जिसके वजह से ओजोन मंडल हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। चलिए 13 नंबर के सवाल को देखा जाए दोस्तों। ये 13 नंबर का सवाल क्या है? जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान सामान्यतः होता है ए 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 500 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड और डी है 3000 डिग्री सेंटीग्रेड से 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका सी, यानी कि 1500 डिग्री से लेकर 2500 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर, ये डिग्री तापमान तक होता है। उसके बाद देखिएगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। एक गैलन का मान होता है 3.875 लीटर, बी 2.965 लीटर और सी होता है 6.001 लीटर और डी 4.546 लीटर। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर एक बार देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा 3.875 लीटर होता है। नेक्स्ट सवाल देखिए 15 नंबर का। 15 नंबर का सवाल देखिए दोस्तों, इसमें कह रहा है कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे नापी जाती है? कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापी जाती है? तो देखिएगा ए बाइट्स, बी अक्षरों की गिनती, सी शून्यों की गिनती और डी बिट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी होगा, यानी कि राइट आंसर बिट्स होगा। उसके बाद थोड़ा सा देखिएगा इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। एक्सप्लेनेशन में देखेंगे इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, आप इसको देखिएगा। कंप्यूटर तीन प्रकार के होते हैं, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। लेजर प्रिंटर सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का नाम यूनिवेक था और रिकॉर्ड्स का संग्रह फाइल कहलाता है। और आधुनिक सुपर कंप्यूटर का जनक भारत में विजय फटकर को कहा जाता है, जबकि विश्व में सुपर कंप्यूटर का जनक सिमोन करे को कहा जाता है दोस्तों। ये भी बात आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 16 नंबर का सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 16 नंबर का सवाल देखिएगा, वर्षा के बाद इंद्रधनुष के निर्माण का कारण है ए प्रकाश का प्रकीर्णन, बी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन व प्रकीर्णन, सी प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और विक्षेपण, डी प्रकाश का परावर्तन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, यानी कि देखिएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा सी, यानी इंद्रधनुष जब भी बनता है तो प्रकाश का अपवर्तन भी होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है और विक्षेपण, ये तीनों घटनाएं एक साथ इंद्रधनुष में होती है, ये एकदम याद रख लीजिएगा। यहां से प्रश्न रहता ही है दोस्तों, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यानी कि इंद्रधनुष का निर्माण ये तीनों की प्रक्रिया होती है और इंद्रधनुष सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक इंद्रधनुष, दूसरा द्वितीय इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है कि इसमें लाल रंग बाहर होता है, बैंगनी रंग अंदर होता है। और द्वितीय इंद्रधनुष में क्या होता है, ये जो है बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य किरणें दो बार अपवर्तन व दो बार परावर्तन होती है द्वितीय इंद्रधनुष का इंद्रधनुष में, ये भी बात याद रखिएगा। और इसमें बाहर की ओर बैंगनी रंग और अंदर की ओर जो होती है लाल रंग होती है, ये भी बात आप याद रख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद 17 नंबर का देखिएगा, जेट स्ट्रीम क्या है? ये सागरीय जलधारा है, बी स्थानीय पवन है और सी है उच्च स्तरीय पछुआ पवन, उच्च स्तरीय व्यापारिक पवन। तो 17 नंबर का क्या होगा दोस्तों? 17 नंबर का सी हो जाएगा, यानी कि देखिएगा इसका राइट आंसर उच्च स्तरीय पछुआ पवन होता है। जेट स्ट्रीम वास्तव में उच्च स्तरीय पछुआ पवन होता है। उसके बाद 18 नंबर का देखिएगा, 18 नंबर का सवाल है, सुपरसोनिक यानी कि ध्वनि की गति से भी तीव्र गति से चलने वाला विमान को सुपरसोनिक कहा जाता है। विमानों की उड़ान के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक वायुमंडल के परत कौन सा है? ए समताप मंडल, बी बद्ध मंडल, सी आयन मंडल और डी क्षोभ मंडल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि देखिएगा समताप मंडल होगा।
आपको पता होगा कि वायुमंडल को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। तो समताप मंडल में क्या होता है, समान तापमान पाया जाता है जिसके वजह से किसी भी प्रकार के विमान के उड़ने के लिए बहुत ही उचित मंडल माना जाता है। और सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती है और जितना भी दूर संचार संभव हो पाता है आयन मंडल के कारण संभव हो पाता है। मध्य मंडल के तहत ही जो है एक मध्य मंडल जो है ओजोन मंडल और जो समताप मंडल का क्षेत्र है यह मध्य मंडल, तो ओजोन मंडल सूर्य की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी को भयंकर गर्मी से बचा लेती है। यानी कि ओजोन गैसें सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को सोखकर पृथ्वी को भयंकर गर्मी से बचा लेती है। ये इसका एक्सप्लेनेशन है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 19 नंबर का सवाल, रात्रि का अंधापन किसकी कमी से होता है, ए विटामिन सी, बी विटामिन ए, सी विटामिन B12 और डी विटामिन ई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन ए, यानी विटामिन ए की कमी से रात्रि का अंधापन होता है और इसकी कमी से जीरोप्थैल्मिया बीमारी भी होती है, ठीक है। और सबसे अधिक विटामिन ए कैरेट में पाई जाती है, गाजर में पाई जाती है। उसके बाद देखिएगा 20 नंबर का सवाल, 20 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर भाषा का मुख्यतः वाणिज्यिक कार्यों में प्रयोग किया जाता है, ए फोर्ट्रॉन, बी कोबोल, सी बेसिक और डी पास्कल। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोबोल। यानी कि देखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर होगा, कोबोल को वाणिज्यिक कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है जबकि फोर्ट्रॉन को विज्ञान के लिए प्रयोग किया जाता है। और जो है ये इसका एक्सप्लेनेशन यदि अच्छे से हम लोग देख लीजिएगा तो बेसिक जो है अंग्रेजी के शब्दों को बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, इसका संक्षिप्त विवरण है। इस भाषा का प्रयोग जो है प्रोग्रामिंग में निहित आदेश के लिए किसी निश्चित भाग को निष्पादित किया जा सकता है इसके माध्यम से। और पास्कल क्या होता है, यह अलबोल का परिवर्धित रूप है, इसमें सभी चरों को परिभाषित किया गया है जिसके कारण अलबोल एवं बेसिक रूप से, जिसके कारण यह जो है अलबोल एवं बेसिक से भिन्न होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा 21 नंबर का सवाल, दही को बिलोकर मक्खन निकालने की विधि में भौतिकी के किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो ए ऑप्शन है विसरण, बी अपोहन, सी अपकेंद्र बल और डी निस्तारण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर यदि देखिएगा, इसका राइट आंसर होगा अपकेंद्रीय बल। कल भी ये सेट में था, मैं आप लोगों को बताया था, ठीक है। उसके बाद देखिएगा मात्रों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति SI कब से लागू की गई है, SI कब से लागू की गई है, तो ए ऑप्शन है 1971, बी 1960, सी 1973 और डी 1982। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1971, यानी राइट आंसर ए होगा, यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल जो है ये 1971 से लागू की गई थी। उसके बाद निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ये 3×10^10 मीटर प्रति सेकेंड, दो बी नंबर देखिएगा 2×10^10^9 मीटर प्रति सेकेंड, सी है 3×10^8 मीटर प्रति सेकेंड और डी 4×10^7 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ये 3×10^8 मीटर प्रति सेकेंड बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, यानी 23 नंबर का सी नंबर करेक्ट आंसर है। यदि इसका एक्सप्लेनेशन को देखा जाए, इसके इर्द गिर्द और भी चीजों को देखा जाए तो प्रकाश की चाल कांच में होती है 2×10^8 मीटर प्रति सेकेंड, जल में 2.25×10^8 मीटर प्रति सेकेंड और प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। ये भी बात आप याद रखिएगा, यानी कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। ये बार बार बहुत सारे परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। 24 नंबर की बात यदि की जाए, अगर एक कमरे में एक चालू रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खोलकर छोड़ दिए जाए तो कमरा रेफ्रिजरेटर के भीतर के ताप से ठंडा हो जाएगा, कमरे का ताप अपरिवर्तित रहेगा, कमरा रेफ्रिजरेटर के भीतर से भी ज्यादा ठंडा हो जाएगा, कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर डी होगा दोस्तों, कमरा धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए 24 नंबर का डी सही है।
चलिए उसके बाद 25 नंबर का बहुत ही आसान सवाल है कि सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच आता है, और सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच आता है, सी पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आता है, और डी सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी के सीध में नहीं होता है। तो सूर्य ग्रहण हमेशा याद रखिएगा, सूर्य ग्रहण हमेशा क्या होता है, यानी कि देखिएगा इसका राइट आंसर क्या है। ए नंबर राइट है। ए नंबर राइट कहने का मतलब जब चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है, और जब पृथ्वी बीच में होता है तो सोच लीजिए उस दिन चंद्र ग्रहण लगेगा। और सूर्य ग्रहण हमेशा याद रखेगा अमावस्या के दिन ही होता है, और चंद्र ग्रहण हमेशा याद रखेगा यह पूर्णिमा के दिन ही होता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा प्राथमिक रंग क्या है जो प्रकृति में पाए जाएं, जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते। सी इंद्रधनुष के रंग, श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के रंग, स्पेक्ट्रम के रंग। तो इसका राइट आंसर देखिएगा दोस्तों ये बी नंबर होगा, यानी कि जो जो है इसके बारे में जान लीजिए, जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते, यानी लाल हरा नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा अगला सवाल है, जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त रेडियोधर्मिता वाला तत्व तो है ए रेडियम, बी थोरियम, सी यूरेनियम 235 और डी कार्बन 14। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 27 नंबर का डी होगा दोस्तों, यानी कि देखिएगा 27 का क्या होगा, 27 का डी होगा। जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त रेडियोधर्मिता वाला तत्व कार्बन 14 है। उसके बाद देखिए 28 नंबर का सवाल दोस्तों कि अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह क्या है, क्या था, ए आर्यभट्ट, बी लूना 1, सी सैल्यूट 1, डी स्पुतनिक 1। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा स्पुतनिक 1। देखिएगा ये राइट आंसर आप आर्यभट्ट नहीं लगा दीजिएगा, कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 था। देखिएगा विश्व का ये भारत का नहीं पूछ रहा है, ठीक है, तो स्पुतनिक 1 हो जाएगा। यदि हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लें, एक्सप्लेनेशन देखिएगा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 था, जबकि आर्यभट्ट को 1975 ईस्वी को छोड़ा गया था, ठीक है, तो यानी अप्रैल 1975 को ये आर्यभट्ट छोड़ा गया था, आप इसको भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा 29 नंबर का सवाल, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है डायलाइजर, बी पेसमेकर, सी सीटी स्कैन, डी ऑक्सीजनरेटर। तो 29 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पेसमेकर इसका राइट आंसर होगा। यदि इसके एक्सप्लेनेशन को देख लें, देखिएगा आधुनिक जो ये क्या कहते हैं उसको कृत्रिम पेसमेकर जो होता है उसमें क्रियो लिथियम हैलाइड की बैटरी लगी होती है, और यह जो है हृदय की धड़कन का नियंत्रित किया जाने वाला जो उपकरण है वो पेसमेकर है, और मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठों का बना होता है। सामान्य अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है तथा धड़कन में लगभग 70 मिली रक्त पंप करता है। थायरोक्सिन एवं एड्रेनलिन स्वतंत्र रूप से हृदय धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 30 नंबर का सवाल। 30 नंबर का सवाल देखिएगा दोस्तों, ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अत्यधिक कठोर तथा अत्यधिक तन्य होता है, अत्यधिक कठोर और अत्यधिक तन्य क्या होता है, तो ये नाइक्रोम, बी टंगस्टन, सी कार्बोनेडियम और डी हीरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी टंगस्टन होता है दोस्तों। ग्रहों की गति के नियम के प्रतिपादन ये प्रतिपादित किए थे, कौन किए थे, न्यूटन, कैपलर, गैलीलियो और कॉपरनिकस। इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कैपलर किए थे, ग्रहों की गति का नियम कैपलर ने दिया था। उसके बाद देखिएगा ये 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत क्या होता है, ए 25%, बी 75%, सी 66% और डी क्या होता है 50%। हमेशा याद रखिएगा जब भी इसका हम प्रतिशत निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 18/24 हो जाएगा गुना 100, जो भी देगा उसे बटा क्या कर देंगे 24 कर देंगे और गुना 100 से कर देंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा आप एक बार करके भी देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है, आप इसको एक बार करके देख सकते हैं कितना हो जाएगा 18/24, ठीक है, चूंकि 24 कैरेट का होता है शुद्ध, और यहाँ पे कटा दीजिए, देखिएगा 6 3 18, ठीक है, यह 6 4 24
अब यहाँ देखिएगा 4 से 25 चौका 100, ठीक है। चलिए इसमें थोड़ा सा, चलिए दोस्तों इसको कैलकुलेशन एक बार हम लोग कर लेते हैं, आसानी से ये कैलकुलेशन हो जाएगा। देखिएगा 18 बटे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और इधर एक गुना 100 कर दीजिएगा। देखिए 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24, ठीक है। 4 से कटा दीजिएगा, 25 × 4 = 100, तो 25 × 3 कितना हो गया दोस्तों, 75। तो जो भी आपको देगा तो उसमें क्या कीजिएगा, बटा, आप जैसे 18 दिया है तो 18/24 कर दीजिएगा, यदि 25 देता तो 25/24 कर देते, या 2 कैरेट देता तो 2/24 कर दीजिएगा, गुना 100 कर दीजिएगा, उसका प्रतिशत निकल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो 18 कैरेट में सोने का प्रतिशत कितना होता है, 75% होता है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश नहीं है, यानी सदिश है, तो ए दूरी, बी विस्थापन, सी चाल और डी जो है समय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विस्थापन हो जाएगा। उसके बाद चलिए पिंड का प्रारंभिक वेग 2 मीटर प्रति सेकंड है और त्वरण 0.5 मीटर प्रति सेकंड² है, तो 10 सेकंड के बाद पिंड का वेग क्या होगा। तो इसका वेग निकालने के लिए दोस्तों आपको पता होगा एक फॉर्मूला, भी बराबर यू प्लस ए टी, यानी भी दिया, यू दिया हुआ है, ए दिया हुआ है और टी दिया हुआ है, तो भी बराबर यू प्लस ए टी का प्रयोग आप कीजिएगा, तो इसका राइट आंसर जो है ए नंबर, यानी 7 मीटर प्रति सेकंड आपका निकल जाएगा, ठीक है। इसका क्या निकलेगा, 7 मीटर प्रति सेकंड आंसर होगा। उसके बाद देखिएगा 35 नंबर, 35 नंबर भी न्यूमेरिकल ही है दोस्तों। 35 नंबर में देखिएगा एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और उसकी दूरी पृथ्वी की त्रिज्या से दोगुनी है, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होगा, तो त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड होगा दोस्तों। इसका भी राइट आंसर बी होगा। 1 जूल कितनी कैलोरी के बराबर होता है, यानी 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है दोस्तों, 24 0.024 और 0.24, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी 0.24 होता है। उसके बाद खगोलीय पदार्थ देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ए सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी टेलीस्कोप, आवर्धक लेंस और डी इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, यानी खगोलीय पदार्थ देखने के लिए टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं, कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है, ये ऊर्जा पैदा करना, दूसरा होता है भिन्न स्राव पैदा करना, प्रकाश संश्लेषण करना, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि कोशिका में राइबोसोम का काम प्रोटीन संश्लेषण का होता है, इसलिए राइबोसोम को फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी कहा जाता है। 39 नंबर में देखिएगा दोस्तों, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए 31 जोड़ी, बी 13 जोड़ी, सी 33 जोड़ी और डी 12 जोड़ी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए 31 जोड़ी, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 40 नंबर का सवाल, 40 नंबर कह रहा है प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कहाँ है, ए मेरुदंड, बी तंत्रिका तंत्र, सी अनुमस्तिष्क और डी प्रमस्तिष्क, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मेरुदंड होता है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखिए 41 नंबर का सवाल, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किसकी जरूरत नहीं है, ए सूर्य प्रकाश, बी CO2, सी हरित लवक और डी O2 यानी ऑक्सीजन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑक्सीजन तो निकलता है, इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। चलिए उसके बाद 42 नंबर का सवाल देखिएगा, सीमेंट में सेटिंग के समय नियंत्रित करने के हेतु मिलाया जाता है, ये जिप्सम, बिचूना, सी एलुमिना और डी में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए जिप्सम होगा दोस्तों, ठीक है, यानी राइट आंसर इसका ए होगा। उसके बाद 43 नंबर का देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है, वो पादप हार्मोन नहीं है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइन और कार्टिसोल, यानी कि राइट आंसर आपका हो जाएगा 43 का डी नंबर दोस्तों, यानी कार्टिसोल जो है, कार्टिसोन ये पादप हार्मोन नहीं है। साइक्रोमीटर से क्या मापा जाता है,
आपको क्वेश्चन पूछा है साइक्रोमीटर से क्या मापा जाता है, ए वर्षा, मेघों की गति, वायुमंडलीय आर्द्रता और डी वायुमंडलीय दाब। देखिएगा 44 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वायुमंडलीय आर्द्रता यानी सी हो जाएगा। आपको पता होगा साइक्रोमीटर यानी हाइग्रोमीटर भी सेम चीज है, ठीक है। और हाइड्रोमीटर से अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है और आर्द्रता जो है ये जो अपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, साइक्रोमीटर भी वायुमंडलीय आर्द्रता मापने का काम होता है, काम आता है। उसके बाद रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्ति में व्यक्त किया जाता है, किस में व्यक्त किया जाता है, ये देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एच जी के एम एम में, एम जी प्रति डीसीएल, सी भाग प्रति मिलियन, ग्राम प्रति डीसीएल। देखिएगा ये बहुत ही तीक्ष्णता का सवाल है, ये सब कोई इसका जांच कराते हैं, इधर उधर देखते होंगे लेकिन ठीक से याद नहीं रहने पर आंसर नहीं गिन कर पाइएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, यानी कि देखिएगा एम जी प्रति डीसीएल में। उसके बाद प्रतिजन वह पदार्थ है जो हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है, विषाक्तता के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है, शरीर के ताप को कम करता है, प्रतिपिंड के निर्माण को दीप्त करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 46 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीपित करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 46 नंबर का डी नंबर होगा। उसके बाद 47 नंबर का देखिएगा दोस्तों, 47 नंबर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 47 नंबर क्या कह रहा है कि गलत को छांटिए, अनुचुंबकीय कौन कौन सा है, कौन लौह चुंबकीय, कौन प्रतिचुंबकीय है। तो अनुचुंबकीय की बात यदि की जाए तो अनुचुंबकीय की बात देखिए एल्युमिनियम, टंगस्टन, ऑक्सीजन, ये बिल्कुल सही है। लौह चुंबकीय जो है निकेल, लोहा, कोनी, फेकोनी, हम लोग कोड रखे हैं फेकोनी यानी FeCONI, तो ये लौह चुंबकीय है। प्रतिचुंबकीय चांदी, नमक, हाइड्रोजन, यानी कि सभी के सभी सही लग रहा है दोस्तों, तो इसलिए इसका राइट आंसर डी नंबर कर देंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए 48 नंबर का सवाल, 48 कह रहा है ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में अंत में ग्लूकोज बदलता है कार्बोहाइड्रेट में, ग्लाइकोजन में, पायरूबिक अम्ल में, डी में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पायरूबिक अम्ल में, ये एसएससी का एकदम फेवरेट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिएगा 49 नंबर का, पल्मोनरी सीरा निम्नलिखित रक्त का संचार करता है, हृदय से शुद्ध रक्त, बी हृदय से अशुद्ध रक्त, सी हृदय को अशुद्ध रक्त और डी हृदय को शुद्ध रक्त। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा, हृदय से शुद्ध रक्त ले जाने का संचार करने का काम पल्मोनरी सीरा करता है। आज का लास्ट सवाल देखिएगा 50 नंबर का सवाल, देखिए दोस्तों क्या कहता है इसमें, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों की तरह काम करता है, पीयूसी का, पिट्यूटरी यानी के अग्न्याशय, पैंक्रिया, थायराइड, थायराइड, एड्रिनल, एड्रिनल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी के दोनों अंतःस्रावी और बहिःस्रावी, तो ये राइट आंसर इसका होगा दोस्तों बी, ये पैंक्रियाज होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा, पैंक्रियाज होगा दोस्तों। पैंक्रियाज जो है ये दोनों तरह का है, ये एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों है, और पैंक्रियाज से ही आइलेट ऑफ लैंगरहैंस से के द्वीपिका के बीटा सेल से जो है इंसुलिन हार्मोन निकलता है, जो मधुमेह, इसकी कमी से मधुमेह रोग होता है। तो इस प्रकार आज हम लोग 50 प्रश्न यहाँ पे किए हैं मात्र 33 मिनट 34 मिनट में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कॉमेंट जरूर कीजिएगा। यदि आपके काम के लिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो तो हमको कॉमेंट करके जरूर इसकी सूचना दीजिएगा दोस्तों। यदि वीडियो पे पहली बार आए हैं तो लाइक, शेयर और कॉमेंट जरूर कीजिएगा। बस आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।